बड़ी खबर क्या है वो जल्दी से आपको बता देते हैं। और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के रामपुर से है, जहां पर अखिलेश की पार्टी में यानी समाजवादी पार्टी में खटपट दिखाई पड़ रही है। रामपुर सीट पर एसपी के बीच तनातनी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। पार्टी ने मुहिबुल्ला को उम्मीदवार बनाया है, मुहिबुल्ला का रामपुर से नामांकन दाखिल कराया है। आजम के करीबी आसिम राजा ने भी पर्चा दाखिल कर दिया है। दूसरी तरफ तो रामपुर सीट को लेकर समाजवादी पार्टी में तनातनी तनाव की स्थिति, क्योंकि दो नेताओं ने यहां पर जो पर्चा दाखिल कर दिया है, मुहिबुल्ला जिन्होंने रामपुर से नामांकन दाखिल किया, समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार उन्हें बनाया है, और दूसरी तरफ आसिम राजा, आप तस्वीरें भी देख रहे हैं, आजम खान के करीबी माने जाते हैं, इन्होंने भी पर्चा दाखिल कर दिया है। दोनों तस्वीरें नामांकन दाखिल करने जब आसिम राजा पहुंचे और दूसरी तरफ मुहिबुल्ला जब अपना नॉमिनेशन फाइल कर रहे थे, उस वक्त की तस्वीरें हैं ये। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या इस सीट को लेकर अब तनाव काफी बढ़ चुका है यहां पर, और इससे आखिर कैसे निपटेगी समाजवादी पार्टी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।